अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ एक कटोरी सूजी से बनने वाला नाश्ता। बहुत हल्का फुल्का होता है, बहुत इजी होता है, बहुत हेल्दी भी होता है। इसको हर कोई पसंद करता है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आता है। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के खाना, घर में सभी को पसंद आएगा। ये हल्का फुल्का नाश्ता होता है, बहुत टेस्टी बनता है। नाश्ता बनाने के लिए मैंने इधर एक कटोरी सूजी ले लिया है, ये बारीक वाली सूजी है। मैंने इसको छान लिया अच्छे से। आपके पास मोटी वाली सूजी है वो भी चलेगी, कोई सी भी सूजी ले सकते हो, चाहे मोटी हो या बारीक वाली हो। एक कटोरी हमने सूजी लिया है ये। अब इसको एक जार में डाल लेते हैं। जार में डाल के इसको पीसेंगे। ये बहुत हेल्दी नाश्ता होता है गाइस, एक बार मेरी तरीके से ज़रूर बना के खाना, घर में सभी को पसंद आएगा। सूजी मैंने डाल दिया जार में। अब इसमें एक कटोरी हम पानी डालेंगे, जितना सूजी है उतना हम पानी डालेंगे। इधर मैंने पानी ले लिया है एक कटोरी। अब डाल देती हूँ सूजी में। इसमें हम थोड़ा सा दही डालेंगे, एक दो चम्मच। सूजी और पानी हमने डाल दिया है, अब इसमें दही डाल देती हूँ एक दो चम्मच। दही आप जरूर डालना गाइस, दही डालने से बहुत टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होगा। ये मैंने 3 चम्मच दही डाल दिया है, आप थोड़ा सा दही जरूर डालना। दही मैंने डाल दिया 3 चम्मच। अब इसमें हल्का सा रिफाइंड का तेल डाल देती हूँ। तेल डालने से बिल्कुल चिकना पेस्ट बनेगा हमारा, बैटर जो बनके तैयार होगा। मैंने बिल्कुल हल्का सा तेल डाल दिया है। अब चलते हैं गाइस, इसको पीस के तैयार करते हैं। अब इसमें हम जार पे ढक्कन लगा देते हैं मिक्सी पे। अब इसको पीस के तैयार करते हैं। बिल्कुल पेस्ट बिल्कुल बारीक बनाना है, चिकना पेस्ट बना के तैयार करते हैं। देखिए गाइस, बैटर हमारा तैयार हो गया है। मैंने इसको पीस के तैयार कर लिया है, बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। एक हमने बाउल ले लिया इधर। अब इसी में सारा बैटर डाल लेते हैं। बिल्कुल चिकना बैटर बनके तैयार हुआ है ये, आप देख सकते हो। आप इसमें जो भी तेल खाते हो गाइस, तेल हल्का सा जरूर डालना। तेल डालने से बिल्कुल चिकना डो बनके तैयार होता है ये बैटर हमारा। ये जार को पूरा साफ करके अच्छे से डाल देती हूँ इसमें, ताकि बिल्कुल भी हमारा ये पेस्ट वेस्ट ना हो। देखिए गाइस, बिल्कुल चिकना डो बनके तैयार हुआ है ये बैटर हमारा। बहुत अच्छे से मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक, आप देख सकते हो। अब कुछ इसमें मसाले डाल देते हैं। ये 1/2 चम्मच हमने कच्चा जीरा ले लिया है, ये डाल देती हूँ इसमें। थोड़ी सी हमने चीनी ले लिया है 1 चम्मच, इसे भी डाल देती हूँ। चीनी आप ज़रूर डालना गाइस, ये वाले नाश्ते में चीनी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस बैटर में। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देती हूँ। चीनी डालने से बहुत ही नाश्ता टेस्टी बन के तैयार होता है, आप ज़रूर डालना चीनी जब भी बनाना ये नाश्ता। बहुत हल्का फुल्का नाश्ता बन के तैयार होगा। अब इसे फेंट लेती हूँ अच्छे से, फेंट के तैयार करते हैं। ये बहुत झटपट नाश्ता बन के तैयार होता है गाइस, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, घर में सभी को पसंद आएगा। हर बार बच्चे बोलेंगे, बड़े बोलेंगे कि हर बार इसी तरीके से नाश्ता बना के खिलाओ। ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया बैटर। देखिए गाइस, मैंने 1 पैकेट पूरा इनो का ले लिया है, अब ये भी डाल देती हूँ इसमें। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा नाश्ता बनेगा बिल्कुल ब्रेड की तरह फूला फूला बन के तैयार होगा, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगा। मैंने 1 पैकेट पूरा डाल लिया है। अब इसे अच्छे से बैटर में मिक्स करते हैं। आप चाहो तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, मैंने इनो का यूज किया है, इनो डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। बिल्कुल ब्रेड की तरह फूला फूला नाश्ता बनके तैयार होगा, जालीदार। इसे खूब अच्छे से मिलाना है बैटर को, ताकि अच्छे से जो भी टॉपिंग मैंने डाला है अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे बैटर में। मैं हिला रही हूँ कंटिन्यू, इसे चला रही हूँ कि ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे बैटर में। देखिए गाइस, बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, मैंने सारी चीज़ डाल के मिक्स कर लिया है। पहले इसमें झाग था, अब झाग बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो गया है। इनो डालने से पेट के लिए बहुत फायदेमंद है, आप चाहे इनो डाल दो या बेकिंग सोडा डाल दो, कुछ भी डाल दो। ये बैटर हमारा तैयार है। अब एक थाली ले लेते हैं, थाली में बनाऊंगी। एक हमने थाली ले लिया है। अब इसमें सबसे पहले तेल लगा देते हैं, ताकि बैटर हमारा नीचे थाली में चिपके ना। सबसे पहले थाली में तेल लगा देते हैं, पूरे थाली में ब्रश की मदद से, आप चाहे हाथ से लगा दो चाहे ब्रश से, पूरा ऊपर तक तेल लगाना है थाली की धार तक। इससे क्या होगा, बैटर हमारा नीचे चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। पूरे थाली में अच्छे से लगा देती हूँ। तेल हमारा लग गया है, बैटर को इसमें ट्रांसफ़र करते हैं थाली में। सारा बैटर मैं डाल देती हूँ इसमें। बाउल को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं।
देखिए गाइस मैंने सारा बैटर थाली में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा हिला देते हैं ताकि अच्छे शेप में आ जाए। पूरा बराबर हो गया पूरी थाली में। अब चलते हैं गैस की तरफ, इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए गाइस मैं आ गई हूँ चूल्हे की तरफ। मैंने कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल के रख दिया था। अब ये गर्म हो चुका है, नीचे से बबल्स आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अब एक स्ट्रेनर इसमें रख देंगे ये वाला। आपके पास स्ट्रेनर ना हो तो आप कोई कटोरी छोटी सी रख सकते हो। अब इसके ऊपर स्ट्रेनर के ऊपर थाली रख देंगे कढ़ाई के अंदर। इसको बीच में रखना है बराबर। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च छिड़केंगे, ऊपर से हम डालेंगे। ये नाश्ता हमारा बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। हल्की हल्की लाल मिर्च डाल देते हैं। आप चाहो तो चाट मसाला डाल सकते हो। लाल मिर्च ना पसंद हो तो चाट मसाला डाल दो, उसे भी बहुत टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होगा। मिर्ची मैंने डाल दिया सारे बैटर के ऊपर थाली में। अब थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, हल्का हल्का सा नमक छिड़क देते हैं इसके ऊपर। नमक मैंने डाल दिया है। अब इसको ढक देते हैं, बिल्कुल बराबर ढक्कन से ढकना है कढ़ाई को ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकले। मैंने इसको ढक दिया है। अब गैस को हम मीडियम कर देते हैं। मीडियम आंच पे इसको 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। अब देखिए गैस नाश्ता को हम चेक कर लेते हैं। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं स्लो आंच पे। देखिए गैस नाश्ता हमारा तैयार हो गया। कितना बढ़िया से फूल के तैयार हुआ है, ये कितना अच्छे से फूला है। गैस को मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। थाली को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए गैस मैंने नाश्ता को उतार लिया है, साइड में रख लिया है। ये बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहा है, अच्छे से ये हो गया है। अब हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसे थाली में से निकालूंगी। देखिए गाइस नाश्ता हमारा तैयार हो गया है, ये ठंडा हो गया है अच्छे से। अब इसे थाली में से दूसरी थाली में पलट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा साइड से छुड़ा देते हैं। ये अपने आप छूट गया, आप देख सकते हो पूरा नीचे से छोड़ दिया है। ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है, मैं करछी से छुड़ा के दिखा रही हूँ आपको। साइड साइड में लगा देते हैं, ये आराम से निकल जाए। मेरी थाली थोड़ी सी बड़ी थी इसीलिए ये फैल गया है। आप छोटे थाली में रखोगे, थोड़ी गहरे बर्तन में रखोगे तो ये फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा फूल के तैयार होता है ये। मैंने हर तरफ से छुड़ा दिया है, ये छूट गया है, सारे किनारे छोड़ दिया है अपने आप। अब इसको बड़ी सी प्लेट में ट्रांसफर करते हैं। एक हमने बड़ी सी प्लेट ले लिया है, अब इसमें इसको पलट देते हैं। थोड़ा सा हाथ से टिप टिप कर देंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से छूट जाए। देखिए गाइस नाश्ता को हमने पलट लिया है एक बड़ी सी प्लेट में, बहुत अच्छे से निकल आए हैं। मैं आपको हाथ पे उठा के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना फूला ये बना है, कितना मोटा बन के तैयार हुआ। ये फूल गया बहुत अच्छे से। आप छोटी प्लेट में चढ़ाओगे गहरे बर्तन में तो ये और भी ज़्यादा फूलेगा। अब इसे सीधा कर लेते हैं, सीधा करके हम कटिंग करेंगे। देखिए गाइस मैं इसको काट रही हूँ नाश्ते को। आप चाहे पिज्जा कटर से काटो या चाकू से काटो, बहुत ही आराम से ये कट जाता है। आराम से ये कट रहा है। देखिए गाइस अब इसे हम दूसरी साइड से काट लेते हैं। ये आराम से नाश्ता हमारा कट रहा है, कोई काटने में दिक्कत नहीं होती है, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब ये नाश्ता हमारा कट के तैयार हो गया है। आप चाहे इसमें छोटे पीस कर सकते हो। बिल्कुल जालीदार बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं अंदर कितनी जाली बनी हुई है इसके। अब चलते हैं हम चूल्हे की तरफ, थोड़ा सा इसे सेक लेते हैं ताकि नाश्ता हमारा और भी क्रिस्पी बने, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। देखिए गैस मैंने चूल्हे के ऊपर एक नॉनस्टिक का तावा चढ़ा दिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब इस पर हल्का सा तेल डाल देते हैं, तावे पे अच्छे से तेल लगा देंगे। पूरे तावे पे फैला देती हूँ तेल को, पूरे तावे पे अच्छे से लग जाए तेल। आप चाहो तो नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हो बिना सेके हुए, पर सेक लेंगे तो थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाएगा और भी ज्यादा टेस्टी बढ़ जाएगा, अच्छे से कलर भी हो जाएगा इस पे। देखिए गाइस तावा हमारा गर्म हो गया है, मैंने तेल लगा दिया पूरे तावे पे। नाश्ते को डाल देती हूँ, सारा नाश्ता मैं डाल देती हूँ एक बार में आ जाएगा। मैंने सारा नाश्ता डाल दिया है, 4 पीस बनाया काट के। अब एक साइड से हो जाए फिर अलग पलट के सेक लेंगे। 2 मिनट इसे सेकने देते हैं एक साइड से, उसके बाद मैं पलटूंगी। इसे करछी से हल्का हल्का दबा देना है ताकि अच्छे से नाश्ता हमारा हो जाए। आप ये नाश्ता बना के बच्चों के टिफिन में दे सकते हो, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं ये शौक से खा लेते हैं चटनी के साथ। अब इसको हम पलट देते हैं दूसरी साइड में। सारा नाश्ता हम पलट लेते हैं इस तरीके से। इसको आराम से पलटना है,
बहुत अच्छा से कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तैयार हो रहा है ये नाश्ता हमारा। ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। अब दूसरी साइड होने देते हैं, उसके बाद में अलग पलट के दोनों तरफ से सेकना है, इसे हल्के हल्के हाथ से इसे दबा देना है ताकि अच्छे से पूरा नाश्ता ये पक जाए। देखिए गाइस नाश्ता हमारा सेक गया है, मैंने अच्छे से इसे सेक लिया है, बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। आप इसकी आवाज सुन सकते हो कितनी आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से सिका है। अब चलते हैं इसको सर्व कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। अब हम नाश्ते को सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। नाश्ता हमारा गर्म है अभी बहुत ज्यादा, बहुत यम्मी बन के तैयार हुआ है, मन कर रहा है बस इसे खा लूं जल्दी से, पर अभी गर्म है बहुत ज्यादा, गर्म गर्म नहीं खाना है, हल्का ठंडा हो जाए जब ही खाना पड़ेगा। तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है गाइस, आप लोग जरूर एक बार बना के खाना, आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए गाइस नाश्ता हमारा तैयार है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती लगा दिया, ऊपर से गार्निश कर दिया है, ये चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग एक बार जरूर बना के खाना, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी गाइस। वीडियो हमारी अच्छी लगी गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।